पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर प्रहार किया है। कहा है कि मुख्यमंत्री ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के तहत आईपीएच की एक स्कीम के क्रियान्वयन के लिए नदी क्षेत्र में आ रही अपने परिवार की थोड़ी सी जमीन के एवज में सरकारी खजाने से 18 लाख रुपए का मुआवजा लेने का कीर्तिमान तो बना लिया, लेकिन क्या वो अन्य प्रभावित लोगों को भी इसी तर्ज पर सरकारी खजाने से मुआवजा राशि देने की उदारता दिखाएंगे या फिर ऐसी नीति उन्होंने सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए बनाई है। राजेंद्र राणा ने कहा, प्रदेश में आईपीएच विभाग की सैकड़ों स्कीमें हैं जिनके क्रियान्वयन के लिए जनता ने अपनी भूमि जनहित के लिए रखकर सरकार को दी है, तो क्या ऐसे दानवीर लोगों को भी सरकारी खजाने से जमीन के एवज में मुआवजा राशि दी जाएगी? वाटर टैंक के निर्माण के लिए भी लोग अपनी भूमि दे देते हैं, तो क्या उन्हें भी सरकार समुचित मुआवजा देगी? जिस तरीके से अभी विधानसभा में मामला उठा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी व उनके परिवार ने आईपीएच विभाग की जो स्कीम थी नदौण के पास, उसकी जो बन रही थी वहाँ पर एक बीघा के करीब जो है वो नदी में जो ज़मीन थी आईपीएच की स्कीम के लिए, वहाँ 18 लाख से ज़्यादा जो है वो मुआवजा उन्होंने लिया। अब लोगों में चर्चा इस बात की छिड़ गई है कि प्रदेश में इतनी ज़्यादा आईपीएच की स्कीमें बनी, लोगों ने ज़मीनें दान करी, भूमि जो है वो उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया उसका, और बहुत सारी स्कीमें लोगों के ज़मीनें दान देने से भरी। तो क्या लोगों में ये जो चर्चा है कि मुख्यमंत्री और ये सरकार क्या बताएगी कि जिन लोगों ने ज़मीनें दान करी हैं क्या उनको भी इस तरीके से मुआवजा दिया जाएगा जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपने लिए और अपने परिवार के लिए लिया है, और आने वाले समय के लिए भी क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनाने जा रही है कि जिसकी भी ज़मीन आएगी उसका जो है वो कंपनसेशन जो है दिया जाएगा? पहली बात। दूसरी बात कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी, झूठी गारंटियों का सहारा लेके सत्ता में कांग्रेस पार्टी आई, हालांकि हम लोग भी उसमें शामिल थे, हम लोग कहते रहे कि ये संभव नहीं हो पाएगा और दोबारा लोगों को फेस करना मुश्किल हो जाएगा। आज उसका नतीजा ये हो रहा है कि पूरे देश में हिमाचल प्रदेश जो है उसकी चर्चा हो रही है,